ओके हम लोगों ने कौन सा चैप्टर एंड किया था? चैप्टर 4 हमारा जो था एंड हो गया था रीडिंग. नाउ टाइम ऑफ वर्ड मीनिंग. वर्ड है, फर्स्ट है केन. केन का मतलब होता है बेंत, जो स्टिक होती है ना, द वुडन स्टिक. नेक्स्ट है प्रेटेक्स, मतलब बहाना, किसी चीज़ का एक्सक्यूज देना. नेक्स्ट है डिमैनर, मतलब बिहेवियर, आचरण. नेक्स्ट पॉकेट, मतलब प्रहार, इसको थ्रस्टेड भी कहते हैं. नेक्स्ट स्टोटर्ड, मतलब होता है हकलाना. नेक्स्ट एब, मतलब अवनति, अवनति होता है, इसका मतलब होता है डिक्लाइन. नेक्स्ट गॉबल, मतलब हड़प जाना, टू ईट हार्डली विथ नॉइस. नेक्स्ट एंडियरिंग मीन्स प्यारी, विनिंग द अफेक्शन. नेक्स्ट गिगल्ड, गिगल का मतलब होता है दांत निकालना, मतलब जब कभी कोई टीचर डांटती है तो, या कोई बात होती है सीरियस तो क्या होता है, या कोई रीडिंग कर रहा होता है एकदम से रीडिंग नहीं कर पाता है तो क्या होता है, एकदम से हल्की सी हंसी आती है और हम उसमें कहते हैं हल्का सा दांत निकालते हैं और बिल्कुल बट आवाज़ नहीं क्रिएट करते, उसी कहते हैं गिगल. ठीक है, उसको कहते हैं लाफ्ड लाइक अ सिली पर्सन, एक तरह से बेवकूफ़ इंसान की तरह हंसना. किसी को पनिशमेंट मिल रही है और आप हंस रहे हो तो ये बेवकूफ़ी होगी. ठीक है, नेक्स्ट टेक द करेक्ट आंसर. द राइटर गॉट अ सीट इन द डैश रो, विच रो? सेकेंड रो. ये आपके फर्स्ट पोर्शन में ही, स्टार्टिंग में ही मेंशन है द सेकेंड रो. ओके, नाउ नेक्स्ट द टीचर हेल्ड अ रजिस्टर एंड अ लॉन्ग केन. केन लिए हुए रहती थी ना रजिस्टर, और दूसरे हाथ में एक केन रहती थी. नेक्स्ट द टीचर मार्क्ड अटेंडेंस एंड रोट द टाइम टेबल ऑन द रजिस्टर, ब्लैक बोर्ड, कॉपी. डेफिनेटली अगर स्टूडेंट्स को नोट डाउन कराएंगे तो ब्लैक बोर्ड पर ही कराएंगे. फोर द डैश कॉन्फिडेंस वॉज एट द लोएस्ट एप, इसका मतलब राइटर का, क्योंकि वो राइटर स्टूडेंट नहीं होगा, वो यहाँ पर राइटर होगा क्योंकि वो राइटर अपने बारे में बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर राइटर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट अ डैश केम ऑन द फेस ऑफ मिसेस सुषमा टू, तो स्माइल, जब वो गिगल करने लगा था तो क्या हुआ था, धीमे से और कुछ हंसे तो कुछ बहुत तेजी से हंसे थे तो उनके फेस पे भी स्माइल आ गई थी. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, तो हा द राइटर प्लेस्ड हिज बैग इन द डेस्क एंड सेट डाउन. सेकेंड द राइटर फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज विद इन मी. द टीचर्स हैवी वॉइस कन्फर्म दैट शी वॉज नॉट एट ऑल काइंड, मतलब उसकी हैवी वॉइस इसी से पता चल रहा था, जो फिगर से और कदकाठी से, कि वो बहुत ही काइंड, मतलब दयालु टाइप लेडीज़ नहीं है लेडी. ओके, शी वॉज नॉट अ काइंड लेडी. नंबर फोर द राइटर्स कॉन्फिडेंस वॉज एट द लोएस्ट एब. नंबर फाइव मिसेस सुषमा हैड अ यूनिक मेथड ऑफ गिविंग पनिशमेंट. बॉयज़ को गर्ल्स के बीच में बैठा देती थी, गर्ल्स को बॉयज़ के बीच में बैठा देती थी, तो ये एक यूनिक पनिशमेंट थी.